हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी हम JIB के बहुत सारे नोट्स और क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, तो अब नंबर है CIB का। फ्रेंड्स, CIB में हम लोग ABM पहला जो है, और पहले चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स, तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो होप ये क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिले। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन, और जिन लोगों को इनके आंसर्स आते हैं वो बहुत अच्छी बात है, एक बार उनका फिर से रिवाइज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। एडम स्मिथ डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज अ स्टडी ऑफ वेल्थ। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद, मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करती है? GDP, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और प्राइस इंडिसेस। फ्रेंड्स, ध्यान रखना, मैक्रो मीन्स बड़ा और माइक्रो मीन्स स्मॉल। स्मॉल वायरस वगैरह ये सब क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मैक्रो में बड़ा हो जाएगा, जो कि देख पाए हैं आप आंखों से। तो फ्रेंड्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं बहुत सारे स्कॉलर्स ने। तो ये पूछना चाह रहा है कि हु इज़ कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ द फील्ड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का फाउंडर कौन था? तो वो थे एडम स्मिथ जी। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ, माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके बिहेवियर से ताल्लुक रखता है? वो है इंडिविजुअल एंटाइटीज से। एंड रेफर्स टू वॉन्ट्स, ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो है, जैसे एंड रेफर्स टू वॉन्ट्स इस तरह का आ रहा है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएंगे। है तो छोटा सा क्वेश्चन, बट ये कि स्कोरिंग हो जाते हैं कई बार ये, बट ये मार्क्स कम में ही मिलेगा आपको, 0.25 या फिर 0.5 में मिलेगा, 1 मार्क्स का नहीं आता ये। मार्केट इकोनॉमी इज वन, तो इसमें चार ऑप्शंस दिए हुए, तो राइट आंसर दे है इन विच इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट फर्म्स मेक द मेजर डिसीजंस अबाउट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। फ्रेंड्स, आपको पता होगा तीन तरह की इकॉनमी होती है, मार्केट इकॉनमी, कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक। तो अलग अलग टाइप के अलग अलग फीचर्स होते हैं, तो इस इन सारे ऑप्शंस में ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया इज़ अ डैश टाइप ऑफ इकॉनमी। इंडिया किस तरह की इकॉनमी? मिक्स्ड इकॉनमी, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी है और आपका पब्लिक सेक्टर भी है। नेक्स्ट देखेंगे लेजिक्स फेयर इकॉनमी इज, लेजिक्स फेयर इकॉनमी किस तरह की इकॉनमी? ये एक्सट्रीम केस ऑफ मिक्स इकॉनमी है, मतलब मिक्स इकॉनमी तो है ही, लेकिन एक्सट्रीम केस की तरह, तो इसको बोल देते हैं लेजिक्स फेयर। नेक्स्ट, मार्केट इकोनॉमी इज आल्सो नोन एज, मार्केट इकोनॉमी को क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी भी बोलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी? तो ये पूछना चाह रहा है कि कौन सी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। तो ये चार ऑप्शन देखेंगे, तो इसमें इंग्लैंड एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट वाले चैप्टर में से कुछ ये क्वेश्चन थे जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर कुछ क्वेश्चन हैं। डिमांड शेड्यूल इज द, डिमांड शेड्यूल क्या है कि रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी बॉट। डिमांड शेड्यूल क्या होता है कि दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। फ्रेंड्स, अगर यही नोट्स चाहिए तो ये इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। आप अगर थोड़ा सा लिख के गूगल पे अगर सर्च करेंगे तो ये इंटरनेट पे भी आपको मिल जाएंगे PDF फॉर्म में। लेकिन क्या है कि नोट्स आप चाहे कितने भी इकट्ठे कर लो, जब तक आप समझ नहीं पाएंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है? डिमांड शेड्यूल इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी बॉट। मार्केट डिमांड कर्व ऑबेज द, ये क्या ओबे करता है? लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड पे। फोर्सेस बिहाइंड द डिमांड कर्व, डिमांड कर्व पे कौन कौन से फोर्सेस काम करते हैं? तो ये एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर इकोनॉमी कंडीशन और एवरेज इकोनॉमी। और डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व रिलेट्स क्वांटिटी डिमांडेड टू, तो ये है प्राइस। शिफ्ट्स इन सप्लाई मीन्स व्हेन चेंजेस इन फैक्टर्स अदर देन द गुड्स ओन प्राइस अफेक्ट द क्वांटिटी सप्लाइड। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होती है? इक्विलिब्रियम बोलते हैं कि जब बिल्कुल नो लॉस नो प्रॉफिट इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, तो ये होता है मार्केट क्लियरिंग प्राइस, तो इसको बोल देते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। नेक्स्ट देखिए, फोर्सेस बिहाइंड द सप्लाई कर्व, तो ये है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये सारे फोर्सेज हैं सप्लाई कर्व के पीछे। सप्लाई कर्व रिलेट्स क्वांटिटी सप्लाइड टू, तो सप्लाई कर्व किससे रिलेट करता है क्वांटिटी को? क्वांटिटी प्राइस के साथ में। ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम कम्स एट द प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाइड। मार्केट इक्विलिब्रियम कब आ जाएगा? जब आपके पास नो लॉस नो प्रॉफिट हो जाएगा, जैसे कि जो प्राइस है एट विच क्वांटिटी डिमांड कर रही है उतने पे ही सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि मार्केट में किसी चीज़ की सप्लाई कम हो जाती है और उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है? उसकी कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस कब होगी? जबकि आपके पास सामान भी उतना ही आ रहा है मार्केट्स में और ख़रीदार भी उतने ही हैं। जैसे मान लो अगर 10 खरीदने वाले हैं तो, और बनाने वाले भी 10 हैं, तो बराबर हो जाएगा वो, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगी। ठीक है,
मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, इस चैप्टर से क्वेश्चंस देखेंगे। मनी सप्लाई रेफर्स टू, मनी सप्लाई किसे बोलते हैं? तो ये है आपका द अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इन एन इकॉनमी, जो इकॉनमी में पैसा घूम रहा है तो उसे बोलते हैं मनी सप्लाई को, ठीक है। नैरो मनी, नैरो मनी आपका जो है कौन कौन सा मनी कहलाएगा? करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स और अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई। डिमांड डिपॉजिट ऐसा डिपॉजिट होता है जो कि आप जब चाहें तब निकाल सकते हैं, एफडीआर वगैरह आपका डिमांड डिपॉजिट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखेंगे टाइम डिपॉजिट्स आर, टाइम डिपॉजिट क्या होते हैं? पेड ऑन डिमांड, नॉट पेड ऑन डिमांड, क्योंकि देखो टाइम डिपॉजिट आपने एफडीआर कर दी, आप पूरा होने पर मांग भी सकते हैं और नहीं भी मांग सकते हैं, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट्स आर, डिमांड डिपॉजिट्स क्या है? पेड ऑन डिमांड होते हैं, जब आप मांगेंगे तब आपको दे दिया जाएगा। जैसे कि आपने एफडीआर कर ली और आप अगर उसको तुड़वा के पैसा लेना चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन क्या होती है? कि राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस। अभी मैंने इक्विलिब्रियम जब बात करे तब हमने बात करी थी, तो यह कि अगर मान लो डिमांड ज़्यादा हो जाए और सप्लाई कम हो जाए तो क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा, प्राइसेस सामान की कीमतें बढ़ जाएंगी। तो ये नेक्स्ट क्या होगा? लीड्स टू फॉल इन परचेजिंग पावर। अब मान लो कोई चीज़ बहुत महंगी हो गई तो गरीब आदमी उसको नहीं खरीद पाएगा, तो वो इन्फ्लेशन में होता है। प्राइस इंडेक्स यूज्ड इन इंडिया टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन फॉर पॉलिसी फॉर्मेशन इज, तो ये होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो WPI भी बोल देते हैं इसको। इसके हिसाब से जो है इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। महंगाई दर निकाली जाती है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर्स प्राइसेस एट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI जो होता है वो किस पे निकालता है? रिटेल लेवल पे निकालता है कितनी महंगाई है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आ रही है थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, तो इसमें ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और मनी। देखो फ्रेंड्स, मनी क्या है? एक तरह की ऐसी चीज़ है जिससे कि हम एक्सचेंज वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं और मनी डिफरेंट हो गया इन सब में, तो ये मनी को, मनी इज द ऑड वन इन दैम। अकॉर्डिंग टू जेएम केनीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बॉन्ड प्राइसेज आर रिलेटेड टू, इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। अगर मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो बॉन्ड प्राइसेस क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। ये इन्वर्सली चलता है, इन्वर्सली मतलब होता है जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। केनीज एक्सप्लेन इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ, केनीज ने किस उसमें निकाला था इंटरेस्ट? मॉनिटरी फोर्सेस के हिसाब से, ठीक है। इनिशियल्स LM स्टैंड फॉर, LM क्या होता है? लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मनी सप्लाई इक्विलिब्रियम, ये इसका फुल फॉर्म है। कई बार फ्रेंड्स छोटे छोटे क्वेश्चंस फुल फॉर्म के भी आ जाते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है। IS कर्व इज डिराइव फ्रॉम, IS कर्व जो है वो कहाँ से निकाला गया? क्लासिकल थ्योरी से। LM कर्व इज डिराइव फ्रॉम, LM कर्व कहाँ से आया? केनीजियन लिक्विडिटी एंड प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है। बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल में आपके चार स्टेप्स होते हैं, जैसे कि बूम, रिसेशन, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे पूछता है कि बिजनेस साइकिल इज ऑल्सो नोन एज, बिजनेस साइकिल को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक साइकिल भी बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स क्या कहता है, बूम, डिप्रेशन, स्लो डाउन और रिकवरी। तो इसमें स्लो डाउन नहीं होता है, चार ऑप्शंस होते हैं बट इसमें स्लो डाउन नहीं है, रिकवरी है। अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ बोथ मैन एंड मेटेरियल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, अंडर एम्प्लॉयमेंट होगी मतलब बहुत सारे लोग हैं लेकिन उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, तो वो कैसे फेज में होता है? वो डिप्रेशन फेज में होता है, ठीक है। बूम फेज में तो क्या होगा कि बहुत बढ़िया काम होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेंगे और माल सप्लाई भी ठीक होगी और बिकेगा भी ठीक। विच फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल इज नोन एज क्राइसिस, क्राइसिस किस फेज को बोलते हैं? तो वो रिसेशन में बोलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि पीछे IT में रिसेशन आ गया था, मतलब बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे, तो IT में कोई काम रह नहीं गया था, तो उसे क्राइसिस स्टेज भी बोल देते हैं या फिर रिसेशन स्टेज बोल देते हैं, ठीक है। एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकॉनमी ओवर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर्स सिंस 1980 to 81 वाज अबाउट, इसमें से कुछ चॉइसेस हैं, तो ये 6% था उस वक्त जो इंडियन की इकॉनमी की ग्रोथ रेट थी। फ्रेंड्स ऐसा इतना पुराना क्वेश्चन कभी आता नहीं है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। विच सेक्टर इज कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्टर इन इंडिया, प्राइमरी सेक्टर कौन सा है? एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडिया में ऐसे होता है, अलग अलग कंट्री अलग अलग हिसाब किताब होता है, तो फॉरेन में आप जाएंगे तो इंडस्ट्रीज़ वगैरह वो उनकी प्राइमरी सेक्टर होते हैं, तो इंडिया में एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज़्यादा है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी सेक्टर है इंडिया में। CSO क्लासिफाइज द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन टू हाउ मैनी सेगमेंट, CSO ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को कितने भागों में बांटा है? तो वो है तीन भागों में बांटा है। MSC की फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो ये होता है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस।
एमएसएमई का कई बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो यही लिख लीजिए आप, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, वो होता है। सर्विस सेक्टर इज ऑल्सो नोन है, सर्विस सेक्टर को क्या बोलते हैं, ट्रेजरी सेक्टर भी बोल देते हैं। द शेयर ऑफ सर्विसेज इन द नेशनल इनकम फॉर फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर्स इज, तो ये इंक्रीज ही हो रहा है, जो सर्विस सेक्टर में हमारा योगदान है इंक्रीज हो रहा है। सर्विस सेक्टर इन द सेंस जैसे आईटी वगैरह कंपनीज होगी, हॉस्पिटैलिटी हो गया है और हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रिफॉर्म्स वर स्टार्टेड इन 1991। रिफॉर्म्स कब इंडियन इकोनॉमी में स्टार्ट हुए थे, वो हुआ था 1991 में। ट्विन इकोनॉमिक इम्बैलेंसेज एग्जिस्टेड ड्यूरिंग 1990, तो ये था दोनों, क्या क्या क्राइसिस थे हमारे पास, फिजिकल क्राइसिस थे, एक्सटर्नल पेमेंट क्राइसिस थे, क्योंकि हमें बहुत सारा पैसा बाहर के देशों का चुकाना था। तो फ्रेंड्स देखिए, नेक्स्ट, रियल सेक्टर पॉलिसी मीन्स फोकस ऑन ट्रिपल एक्स इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ रिफॉर्म प्रोसेस, तो ये बोलता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। ITES की फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इनेबल्ड सर्विसेज। WMA इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस। इस WMA के थ्रू जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह पैसा एक हफ्ते के लिए उधार लेते हैं। NEFT की फुल फॉर्म पूछा है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। कुछ क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, तो वो कई बार इजी क्वेश्चन भी पूछ लेता है ताकि आप लोग कन्फ्यूज हैं। बैंक रेट इज ऑल्सो रेफर्ड है, बैंक रेट को क्या बोलते हैं, डिस्काउंट रेट भी बोल देते हैं, ठीक है। अभी आप चार ऑप्शंस देखेंगे तो इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इससे अच्छा आप इसको मगअप कर लें। CRR की फुल फॉर्म पूछी है, तो ये होता है कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, ये होता है कि कैश कितना हम RBI के पास में जमा करते हैं। SLR की फुल फॉर्म पूछी है, तो इसे स्ट्रेच लिक्विडिटी रेशियो। OMO पूछा हुआ है, तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस। FRBM की फुल फॉर्म पूछी है, तो ये होता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये कब इनैक्ट हुआ था, ये हुआ था 2003 में। GDP कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन हाउस होल्ड डिवाइडेड इंटू कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये तो ये सब चारों में, ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज के पार्ट्स में, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर, क्या क्या फैक्टर्स हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर, ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। लैंड होगी, लेबर होगा, कैपिटल होगा आपके पास, कैपिटल मतलब पैसा, और एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह होगी, तभी आप कुछ प्रोडक्शन कर सकते हैं। मार्केट प्राइस इज द डैश प्राइस फॉर विच गुड्स और सर्विस इज ऑफर्ड एट द मार्केट प्राइस, तो ये इकोनॉमिक प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि यूनियन बजट, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो NCCD की फुल फॉर्म पूछता है, तो ये कहता है नेशनल काउंसिल ऑन क्राइम एंड डेलिंक्वेंसी। NCCD की फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम काउंसिल ऑन क्राइम एंड डेलिंक्वेंसी। इन चारों में से ऑड पूछ रहा है, तो कस्टम, सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट रिसिप्ट वगैरह, तो इंटरेस्ट रिसिप्ट इसमें ऑड वन है, ठीक है। चॉइसेस आर, इनमें भी चार ऑप्शन पूछ रहा है, तो इसमें सिक्योरिटीज अगेंस्ट ये रिकवरीज, तो रिकवरी एक अलग चीज़ हो गया है, ये सारा क्या है, पैसा आ रहा है, और रिकवरीज ऑन लोन एंड एडवांसेस एक अलग चीज़ है। नेट फिजिकल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये पूछता है कि नेट फिजिकल डेफिसिट अगर है तो फिर किस किस चीज़ के बीच में डिफरेंस है, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट और नेट लैंडिंग, दोनों के बीच में डिफरेंसेज है। इस वजह से चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस देखेंगे, तो इसमें जो है चार इकोनॉमीज हैं, तो फ्रांस सबसे अलग है। EME का फुल फॉर्म पूछता है, तो ये कहता है इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज। BPLR के फुल फॉर्म है बेंच मार्क प्राइम लैंडिंग रेट। थर्टीन चैप्टर है सैम्पलिंग, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, वेन द आइटम्स इंक्लूडेड इन सैंपल आर बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ द इंडिविजुअल कंडक्टिंग द सैंपल इज सेट टू बी नॉन रैंडम, तो ये बात सही है। स्टैटिक इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन, फॉल्स। सैम्पलिंग प्लान दैट सेलेक्ट्स मेंबर्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन एट यूनिफॉर्म इंटरवल्स इन टाइम ऑर्डर और स्पेस इज कॉल्ड एज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, तो ये बात सही है। एज अ जनरल रूल इट इज नॉट नेसेसरी टू इंक्लूड अ फिनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर इन अ कंप्यूटेशन फॉर स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन व्हेन द साइज ऑफ द सैम्पल इज ग्रेटर देन 50, तो ये बात गलत है। द प्रॉबिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द पॉसिबल मीन्स ऑफ सैम्पल्स इज नोन एज द सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन, तो ये बात सही है। द प्रिंसिपल्स ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आर द थियोरिटिकल फाउंडेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस, तो ये ट्रू है। द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन्स, ट्रू है। सैम्पलिंग प्लान दैट डिवाइड्स द पॉपुलेशन इंटू वेल डिफाइंड ग्रुप्स फ्रॉम विच रैंडम सैम्पल्स आर ड्रॉन इज नोन एज क्लस्टर सैम्पलिंग। फ्रेंड्स सैम्पलिंग वाला चैप्टर थोड़ा सा रफ है, तो इसमें से ये क्वेश्चन सारे मैं आपको PDF दे दूंगा, तो ये रट ही लेना,
इसको डिस्कस करके कुछ ऐसा फायदा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, इससे अच्छा कोई और चैप्टर मिलेगा तो। एक मिनट रुकिएगा, मैं आगे कर रहा हूँ।